रामकृष्ण, आप असत्य बोल रहे हैं। महाराज, पंडित जी ने जो हमें स्त्री का भेष दिया है, अगर यही भेष किसी और व्यक्ति को दिया जाए तो वो भी एक मृत आत्मा ही लगेगा। महाराज, ये कैसा परिहास है। महाराज, हमें शंका थी, हमें तो शंका थी, संभवतः हम भ्रमित हो गए थे, ये तो कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। महाराज, जब पंडित रामकृष्ण जमींदार वेंकट रमन्ना का अपमान करके संतुष्ट नहीं हुए तो अब भरे दरबार में उनके पुत्र विष्णु रमन्ना का अपमान कर रहे हैं, और तो और उन्हें स्त्री का भेष देकर उन पर मृत आत्मा का खेल खेलने का झूठा आरोप भी लगा रहे हैं। महाराज, हम आपके निमंत्रण पर विजयनगर आए, आपके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु महाराज, ऐसा अपमान हमने जीवन में कभी नहीं सहा। वाह पंडित जी, अपनी धर्मशाला में आपका इतना आदर सत्कार किया, इतने प्यार से आपको भोजन कराया, और उस कर्म का आपने हमें ये दंड दिया। अरे, आरोप लगाने से पहले सोच तो लेते कि धर्मशाला हवेली से 300 कोस दूर है, और अगर हम लोग ये प्रपंच रच रहे होते तो हवेली में हमारा इतनी शीघ्रता से पहुंचना महाराज कैसे संभव होता। विष्णु, आभास पंडित रामकृष्ण, आपका ये कृत्य अत्यंत घृणित है, हमें आपसे आशा नहीं थी। महाराज, अपने कथन अनुसार पंडित रामकृष्ण दरबार में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, अपितु हमारा, हम सबका, आपका परिहास किया महाराज, एक धार्मिक और आदरणीय व्यक्ति का अपमान किया, उनके पुत्रों को दरबार में बुलाकर लज्जित किया, ये एक दंडनीय अपराध है महाराज, पंडित रामकृष्ण को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आपने जो ये खड़े दरबार में प्रपंच रचाया है और रमन्ना परिवार का जो अपमान किया है, आपने हमें विवश कर दिया है। मंत्रीवर, महाराज, पंडित रामकृष्ण को अभी इसी क्षण बंदी बना लिया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, कर बुरा तो हो बुरा। रुकिए महाराज, 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 मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए, उनसे भूल हो गई महाराज, वो हवेली इनके पिता की अंतिम निशानी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहते थे महाराज, इसलिए अपने आत्मा का नाटक करने पर विवश हुए महाराज। क्षमा कर दीजिए महाराज। शांत हो जाओ माँ। चुप। कहा था ना मैंने तुमसे, विष्णु ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, कहा था एक दिन पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने अपने साथ साथ वल्लभ और कृष्ण को भी पाप का भागीदार बना दिया। महाराज, मेरे पुत्रों की नियत गलत नहीं थी महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहिए। आपसे पूछ रहे हैं। जी, 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 महाराज, महाराज। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। महाराज, मैंने ही अपने भाइयों कृष्ण और वल्लभ के साथ मिलकर ये मृत आत्मा का प्रपंच रचा था महाराज। पंडित जी सत्य कह रहे, और अपने पिताजी के बारे में जो भी कहानियां कही मैंने, सब मनगढ़ंत कहानियां थी महाराज। हमारा लक्ष्य पंडित जी को भयभीत करना महाराज, और उन्हें विश्वास दिलाना था कि उस हवेली में मृत आत्मा का वास है, इसलिए हमने ये किया महाराज। महाराज, हम गंगा राव का ऋण चुकाने के लिए खूब परिश्रम कर रहे थे, बस हम ये नहीं चाहते थे कि उस बीच हमारी हवेली बिक जाए, इसलिए महाराज हमने ये प्रपंच रचा। हम सफल हो पाते उससे पहले ही पंडित जी ने हमारा सत्य जान लिया।
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको ये संदेह कब हुआ था कि वो विष्णु ही है जो एक मृत आत्मा बनकर उस हवेली में आए लोगों को डरा रहा था? महाराज, जब मैं इनके घर गया तब मैंने देखा कि विष्णु कितनी आसानी से चूल्हे के कोयले को हाथ से डाल रहा था, और तब मुझे उस पंजे की याद आई जो मृत आत्मा ने मुझे मारा था, जिससे मेरी पीठ जल गई थी। महाराज, आपको स्मरण होगा मेरी पीठ पर बना ये पंजे का चिन्ह, जैसे किसी ने जलता हुआ हाथ मारा हो। मुझे संदेह था कि हो ना हो ये पंजा विष्णु का ही है, और अपने संदेह को प्रमाणित करने के लिए मैंने ही उस दिन धर्मशाला में अग्नि प्रज्वलित की थी। लेकिन इतनी कि सब नियंत्रण में रहे और किसी को हानि भी ना पहुंचे, मैंने विष्णु को अग्नि पर नियंत्रण करते हुए देखा। विष्णु अपने हाथों से बड़ी कुशलता से अग्नि को बुझा रहा था। उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि विष्णु ही वो मृत आत्मा है। महाराज, विष्णु के हाथों में बड़ी ही अच्छी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता है। अवश्य ही किसी रसायन की मदद से इन्होंने अग्नि हाथ में लेकर मुझे वो पंजा मारा था। क्यों जी? पंडित रामकृष्ण, आप उस हवेली में वापस क्यों गए थे? ये ज्ञात करने के लिए महाराज कि हवेली में ये जो प्रपंच हो रहा है वो रचा कैसे जाता है। यही देखने के लिए मैं पुनः हवेली गया, और बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने देखा कि द्वार और खिड़कियां पतले धागों से बंधी थी। अलमारी के नीचे एक आदमी था। ऊपर उड़ता हुआ वस्त्र धागों की मदद से खींचा जा रहा था। भोजन की वो थाली चुंबक की मदद से आगे और पीछे की जा रही थी। जिन कक्षों में ये स्वांग रचा जा रहा था महाराज, उसे या तो छत से या उन कक्ष के नीचे बने गुप्त कक्ष से नियंत्रित किया जा रहा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस हवेली में एक गुप्त कक्ष भी है। इस प्रपंच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको और लोगों की मदद की भी आवश्यकता पड़ी होगी। आपके कई साथी भी रहे होंगे जिन्होंने संभवतः धन के लालच में आपका साथ दिया होगा। जी, परंतु वो जो कौआ जो हमारे पीछे पड़ा था, वो क्या था? यदि उस हवेली में कुछ असली था तो वो था वो कौआ। उसे प्रशिक्षित किया हुआ था आक्रमण करने के लिए। महाराज, जब मैं हवेली पहुंचा तो चकित रह गया। मुझे कदापि नहीं लगा था कि ये मृत आत्मा इतनी शीघ्र वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े परिश्रम के बाद मैं अष्टी गांव से हवेली 3 प्रहर में पहुंचा था। लेकिन विष्णु भी पहुंच गया। मुझे मृत आत्मा फिर दिखी, और ये देखकर मुझे लगा कि मेरे प्राण संकट में है, क्योंकि अगर इन सबको ये आभास हो जाता कि मैं इनका रहस्य जान चुका हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अकेला था, और इसलिए हवेली में मैंने इनके समक्ष मूर्छित होने का स्वांग रचा। अब प्रश्न ये उठता है कि विष्णु इतनी शीघ्र हवेली तक पहुंचे कैसे, क्योंकि अष्टी गांव से हवेली 300 कोस दूर है, परंतु मरु नदी पार करके वहां केवल आधे दिन में पहुंचा जा सकता है। कमर पर ये जो पट्टी बंधी है, ये मरु नदी के मगरमच्छों द्वारा दिया गया घाव ही है ना विष्णु? जी महाराज, मैं ये भेद आपके समक्ष ही खोलना चाहता था, जिसके लिए रमन्ना परिवार का विजयनगर में आना अत्यंत आवश्यक था, और इसीलिए मैंने ये स्वांग रचा। परंतु जब तीनों भाइयों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो योजना अनुसार मंत्रीवर ने मेरा साथ दिया, ताकि इनकी माँ से हम सच जान सकें। उत्तम, अति उत्तम। पंडित रामकृष्ण, आपने हवेली के रहस्य को खोलकर मृत आत्मा के भ्रम को समाप्त किया है। अच्छा किया। वैसे महाराज, यदि हम दुर्भाग्यवश उस अलमारी में ना अटके होते तो हम भी वही करते जो पंडित रामकृष्ण ने किया है। अवश्य, इन्होंने जो किया है इसके लिए इन्हें क्या आचार्य पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या बात है आचार्य,
अहो भाग्य मेरे कि आपने मेरी प्रशंसा की। ठीक है, आप उस योग्य है पंडित रामकृष्ण। आपने जो कार्य किया है वो निसंदेह प्रशंसनीय है। वैसे महाराज, उससे पहले तो हमें एक कार्य और करना है। हमें असली अपराधी को दंड देना है। नहीं महाराज, मेरे पुत्र से अपराध अवश्य हुआ, परंतु उनके मन से किसी को हानि पहुंचाने की नहीं थी महाराज। मेरे पति एक दानवीर थे जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा महाराज, इस पुश्तैनी हवेली के अलावा। अब वो भी हमारे पास नहीं है महाराज, मेरे पास सिर्फ मेरे ही पुत्र बचे हैं महाराज। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। विष्णु वल्लभ कृष्णा, आप तीनों ने अपने स्वर्गीय पिता वेंकट रमन्ना का अपमान किया है, यह अत्यंत दुखद एवं शर्मनाक बात है। महाराज, हमने जो कुछ भी किया अपने पिताजी के लिए ही किया। वो हवेली उनकी अंतिम स्मृति थी महाराज, हम उसे खोना नहीं चाहते थे। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। आपकी जो भी मंशा रही हो, इस घोर अपराध के लिए आपको दंड तो अवश्य मिलेगा। मंत्रीवर, महाराज, इन तीनों को इस घोर अपराध के लिए 10-10 कोड़े मारे जाएं। जी महाराज। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण आप क्या कहना चाहते हैं। वल्लभ, विष्णु और कृष्णा अपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, और इनके स्वर्गीय पिताजी वेंकट रमन्ना के जो अच्छे कर्म है उनको ध्यान में रखते हुए हम आदेश देते हैं कि रमन्ना परिवार को उनकी हवेली वापस कर दी जाए। जहां तक बात गंगा राव की है, तो उन्हें अपने राजकोष से उनका पूरा धन सूद समेत वापस लौटाया जाए। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। और पंडित रामकृष्ण, आपने एक बार फिर ये प्रमाणित कर दिया है कि आप अपने बुद्धि कौशल से कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हम प्रसन्न हैं आपसे और गर्व है हमें कि आप विजयनगर की शोभा है, और इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। महाराज, मृत आत्मा का सामना करके मैंने स्वयं पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। इस घटना के पश्चात मेरे हृदय से भी मृत आत्मा का भय सदैव के लिए समाप्त हो गया है। कौन है? कौन? कौन? महोदय, आप धन्य हैं। डरा दिया। पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण। महाराज, सतर्क हो जाइए, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। महाराज, यहाँ शत्रुओं की संख्या इतनी अधिक है कि हम दोनों में से किसी के भी जीवित बचने की कोई संभावना ही नहीं बची है। पंडित रामकृष्ण। महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य था शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। अब एक कार्य कीजिए, आप इन्हें संभालिए। हाँ। हम उधर जाते हैं। नाश करो शत्रुओं का। आचार्य, आप शत्रुओं के पक्ष में? हम तुम्हारे विरुद्ध थे, हैं और रहेंगे। आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। नहीं नहीं आचार्य, ऐसा ना करें। वो भाला है, माला नहीं है, जिसे पहनकर आप सौदामिनी देवी का नृत्य देखने जाते हैं। तुम्हारी इसी धूर्तता का दंड हम तुम्हें देंगे। तुम्हारा प्रलोक गमन निश्चित है। हर हर महादेव। Thank you.
हे माते, आज नवरात्रि का पहला दिन है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। धन देते समय आपका हाथ कभी ना रुके। निसंकोच धन देते रहिए, देते जाइए, देते हाँ देते जाइए, देते जाइए, है ना? हाँ। हे माँ, परंतु उस धन के प्रति हमारे हृदय में कभी लोभ ना आए। उस धन से हम दीन दुखियों की सदैव सहायता करते रहे। हे माँ तलतवती, मेरी शिक्षा का वर्णमाला सदैव आगे बढ़ाना और मेरे ज्ञान के द्वार सदा खुले रखना। हाँ, और इन्हें सद्बुद्धि देना कि इस द्वार में प्रवेश करें और उस बुद्धि को सदैव अच्छे कार्यों में ही प्रयोग करें। कह रही है, हे माँ दुर्गे, इन्हें और शक्ति दे। हैं? अम्मा, और शक्ति चाहिए तुम्हें? एक लाठी काफी नहीं है मुझे मारने के लिए? हे माँ, इतनी शक्ति देना जो दूसरों के सत्कार के काम आए। हमें कभी भी इस शक्ति पर घमंड ना हो। हमारे पांव सदा धरती पर रहें और दृष्टि नीचे, ताकि हम कभी नीचे ना गिरें। वो मल्ला कुलबू बच गया। मेरे ताले खिलौने। ओए, ये खेलने के लिए नहीं है। लामा, खेलने के लिए नहीं है तो क्या खेत दूध पाने के लिए? कुंडप्पे, ये गुड़िया बोमल्ला कोल्बू में सजाए हैं। ये क्या होता है? ये बहुत पुरानी प्रथा है। इसमें महिलाएं और बालिकाएं इन गुड्डे गुड़ियों का उत्सव मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन यहाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास होता है, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। अरे, पीढ़ियों से ये गुड्डे गुड़िया इस महोत्सव में सजाए जाते हैं। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है, है ना अम्मा? ए शारदा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तो अम्मा को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चली गई? हम केवल अम्मा का संकेत समझते हैं, मन नहीं। अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो टांग तोड़कर हाथ में दे देंगी। शब्द हमारे हैं पर क्रोध तो इनका है। आज अम्मा ने स्वप्न देखा कि आप और महाराज युद्ध क्षेत्र में थे और तथाचार्य ने आप पर भाला फेंका। फिर क्या हुआ अम्मा? फिर क्या हुआ? क्या इन्हें भाला लगा? नहीं, से पहले की भाला इन्हें लगता इन्होंने अपनी आंखें खोल ली। वाह वाह वाह, बोलो अम्मा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। तुम ही तो मेरी रक्षक हो, केवल तुम्हारे कारण ही तो मैं जीवित हूँ। बोलो। मूर्ख! नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, अम्मा कह रही है। प्रातः काल का सपना सच हो जाता है, इसलिए आप घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? काला टीका लगा रही है कुदृष्टि से बचाने के लिए। काला टीका लगा रही है तो मुंह काला कर रही हो? यदि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो लोगों की कुदृष्टि कैसे लगेगी? अब दिन भर यही बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.